मैंने जीवन का पहला नाटक कौन सा पढ़ा? कौन सा पढ़ा? हाँ प्लीज बताइए। मेरे जिसने मेरी जिंदगी चेंज कर दिया ना, उसका बहुत प्रभाव है उस राइटर का मेरी राइटिंग पे। अच्छा, दो राइटर हैं जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है जी। सो मैंने अपनी जिंदगी का पहला नाटक जो पढ़ा था वो था ऑल माय सन्स, आर्थर मिलर का प्ले। और ऑल माय सन्स जो था वो हमारे कोर्स में था और हम लोग पढ़ते पढ़ते थे नहीं, तो वो कुंजी जो आती है, की जिसको बोला जाता है, वो लास्ट में उसमें सार होता है, वो सार वार पढ़ के हम लोग एग्ज़ाम दे देते थे। मेरी किस्मत उस साल ऑल माय सन्स की कुंजी नहीं मिली, तो समझ में नहीं आया कि कैसे तैयार करें। तो मैंने कहा यार तो अब तो कोई तरीका बचा नहीं, अब इसी को पढ़ लो। तो मरता क्या ना करता मैंने वो पढ़ना शुरू किया। एक पतला सा नाटक है, इतना खूबसूरत नाटक मैंने पढ़ना शुरू किया एंड इट वॉज लाइक रीडिंग अ थ्रिलर एंड आई जस्ट फेल इन लव विद इट एंड इट वॉज सो नेचुरल, सो कॉन्फ्लिक्टिंग। बहुत बड़ी बात कहता है वो नाटक। और मैं तो बच्चा ही था तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत बड़ा ड्रामा, बहुत बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ। सो आर्थर मिलर का बहुत प्रभाव रहा, उनकी राइटिंग का बड़ा प्रभाव रहा मुझ पर। हालांकि मैं उतना पॉलिटिकली अवेयर नहीं हूँ जितना मिलर थे। मैंने अपना जो काम किया है वो इंसानी रिश्तों पे ज़्यादा किया है, पॉलिटिक्स पे कम किया है मैंने। लेकिन इंसानी रिश्तों की पकड़ मिलर में बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छी थी। और दूसरे जो राइटर हैं जिनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है मुझ पर, वो हैं मोहन राकेश। क्योंकि उनका जब मैंने नाटक पढ़ा था, उनका पहला नाटक मैंने पढ़ा था आधे अधूरे, और वो ऐसा था कि पढ़ते वक्त आपको लग रहा था कि ये लिखा नहीं गया है, ये आपके सामने घटित हो रहा है। तो जीवन आपके कितना करीब और कितना आपको रियल लगे कि, और ये मैं हमेशा डायलॉग्स में ढूंढता हूं कि बात करते वक्त पता ना लगे कि ये डायलॉग बोल रहा है कि ये एक्चुअली बीच में रोक के इसने एक्चुअली कोई और बात बोली है। That is what I really love. मोहन राकेश का जिक्र आया तो हम लोगों ने JNU में MA हिंदी के दिनों में आषाढ़ का एक दिन पढ़ा जी। क्या अद्भुत हो जी। प्रत्येक कालिदास एक जी एक सफल विलोम है और एक और जिस एंगल से उन्होंने देखा इतना मानवीय करके मतलब मुझे कभी कालिदास के बारे में जानने का इतना मन नहीं हुआ। मुझे मालूम था कि कालिदास बहुत बड़े कवि हैं, बहुत महाकवि हैं, सब कुछ है, मैं क्या जानूं उनके बारे में। लेकिन एंड कमाल एक पीटर शेफर का एक बहुत मशहूर और बहुत बड़ा नाटक है जो फिल्म भी बनी, जिसपे बहुत मशहूर फिल्म आमेडियस, जो मोजार्ट की लाइफ पे है। मेरा विदेशी नाटकों में वो वन ऑफ माय फेवरेट नाटक है पीटर शेफर का, और वो उसका कॉन्फ्लिक्ट, वो कहानी, वो उसका कॉन्फ्लिक्ट बहुत कमाल का। और हिंदुस्तान में उसी का दूसरा स्वरूप है, मतलब इन दोनों नाटकों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे मुझे अमेडियस जिस स्टैंडर्ड का लगता है, जिस जगह पर लगता है, उतना ही मुझे आषाढ़ का एक दिन लगता है। क्योंकि उसमें आपका ऑल्टर ईगो जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू आता है। वो कहता है कि कालिदास क्या है, एक सफल विलोम, और विलोम क्या है, एक असफल कालिदास।